जी हाँ, इशारा तो बिल्कुल इसी तरफ है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर, चेयरपर्सन और निदेशक यानी कि मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी का, जो कि दादा दादी भले ना बन पाए हो लेकिन इसकी खुशखबरी ऑलरेडी देने को तैयार है। दादा और नाना बनने की प्लानिंग अभी से हो रही है मुकेश अंबानी की, जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी आनंद पिरामल से कराई और इस साल बीते कुछ महीने पहले 9 मार्च की तारीख को हुई उनके बड़े बेटे आकाश की शादी श्लोका मेहता के साथ बड़े ही आलिशान ढंग से। और इसी के साथ कुछ ही महीने के अंदर देखिए ना, बड़ा तूफान लाने के लिए घर पर तिलकारी गुंजाने की नई कोशिशें इशारे पर करते हुए मुकेश नेता ने प्लानिंग कर ली है बच्चों को सरप्राइज उनके जन्म से पहले ही देने की तैयारी करते हुए। जी हाँ, इसी तरह की सोशल मीडिया पर ट्रॉलर्स ने बातें की हैं उनकी मेमेज बनाकर, जो पहले ही खिलौने की कंपनी को खरीद कर खुशखबरी दे चुके हैं। जी हाँ, खबर आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने ब्रिटेन की खिलौना कंपनी हैमलेस ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड को 6.79 करोड़ पाउंड में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। ये मिली हुई रिपोर्ट्स की माने तो ये खबर है 620 करोड़ के लगभग के रुपए में इस कंपनी को खरीदा गया है। तो वहीं वर्तमान यानी कि फिलहाल की बात ना करें और आने वाले कल की बात करें तो हैमलेस का स्वामित्व चीन की फैशन कंपनी सी बैनर इंटरनेशनल के पास है। सी बैनर इंटरनेशनल ने साल 2015 में 10 करोड़ पौंड में खरीदा था। तो वहीं हैमलेस पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही थी, जिसकी वजह से इस कंपनी को, इस ब्रांड को रिलायंस के नाम करने के लिए मजबूर हुए इस कंपनी के फैसले की खबर अब आई है। ऐसे में बहुत जल्द मां बनेंगी, लगता है तैयारी तो इसी तरफ है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।